हमारे साथ। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर फिर से बदलाव कर दिया है। ये बड़ी खबर, मुरादाबाद से एसटी हसन को ही लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। रुचि वीरा को नामांकन से रोका जा सकता है, एसटी हसन कर चुके हैं नामांकन। ये एक बड़ा और लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है मुरादाबाद सीट को लेकर। हमारे साथ अलाउद्दीन लगातार जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अलाउद्दीन, क्या कह रहे हैं सूत्र कि एक बार फिर से सीट पर बदलाव होगा और एसटी हसन को ही यहां से लड़ाएगी समाजवादी पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर से पूरी कहानी शुरू होती तब जब आजम खान से जेल में मुलाकात के लिए अखिलेश यादव जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि एसटी हसन की सीट को चेंज किया जाए और रुचि वीरा को वहां से लड़ाया जाए। कल शाम में 3 बजे रुचि वीरा को, जो कि मुरादाबाद से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की फॉर्म AB लेकर के, यानी नामांकन के लिए, जिसको आम भाषा में लोग टिकट कहते हैं जबकि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में फॉर्म AB कहा जाता है, वो लेकर के 3 बजे यहां से रवाना हो गई थी। और ये कहा जा रहा है कि आज वो नामांकन करेंगे, लेकिन कल 3 बजे से लेकर देर रात तक बहुत सारे घटनाक्रम चेंज हुए। खासतौर से इस बात से समाजवादी पार्टी का सीनियर जो लीडरान है और नेतृत्व है नाराज है कि जब आजम खान की बात को मान लिया गया और रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया, उसके बाद शाम में 4:30। आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, एक और बड़ी खबर रामपुर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट से मौलाना मुहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया के और आज वो नामांकन भर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, आज दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरे जाने हैं। और अलाउद्दीन अयूब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही है और रामपुर लोकसभा सीट को लेकर भी खबर ये है कि यहां से भी मौलाना मुहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी हाँ, देखिए जब मुलाकात के लिए अखिलेश यादव जी गए थे जेल में तो आजम खान की तरफ से ये कहा गया था कि वो खुद चुनाव यहाँ पर लड़ें। और कल देर शाम में जो उनके लोगों ने एक रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की रामपुर यूनिट अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका सहयोग नहीं करेगी, बहिष्कार करेगी चुनाव का। इन तमाम घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि कहीं से तेज प्रताप यादव को, जो कि उनके परिवार से, उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बाद में फैसला ये हुआ कि परिवार के सदस्य को वहां नहीं उतारा जाएगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है वहां के इमाम मुहिबुल्ला नदवी जो है वो अंसारी बिरादरी से आते हैं, OBC तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनका क्षेत्र रामपुर है, यानी रामपुर के ही रहने वाले हैं, रामपुर लोकसभा क्षेत्र के। समाजवादी पार्टी ने फॉर्म AB उनको देने का फैसला किया है। ये माना जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे से पहले वो किसी वक्त भी रामपुर कलेक्ट्रेट में जाके अपना नामांकन कर सकते हैं। यानी कि इन तमाम घटनाक्रम के बाद एक बात और साफ हो जाती है कि जिस तरह से रामपुर और मुरादाबाद को लेकर के आजम खान की तरफ से तमाम प्रेशर टैक्टिक्स थी या प्रेशर जो बनाए गए थे उससे उबरते हुए समाजवादी पार्टी ने इन तमाम फैसलों को किया है। और खासतौर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी की रामपुर यूनिट ने कल विद्रोह का रुख अख्तियार किया था और धमकी दे डाली थी कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसके बाद घटनाक्रम और ज्यादा तेजी से बदले हैं और बहुत ज्यादा घटनाक्रम खिंचाव वाले हुए हैं। तो ये बात मान के चलिए कि रामपुर और मुरादाबाद को लेकर, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल सीट है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि दोनों सीटों से मुसलमान प्रत्याशी उतरे, लेकिन आजम खान के प्रेशर की वजह से रुचि वीरा को टिकट समाजवादी पार्टी ने कल शाम में 3 बजे दे दिया था। लेकिन खबर ये है कि रुचि वीरा का रोका जाएगा जबकि रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाएगा ताकि मुसलमानों की जो एक संभल से लेकर के रुहेलखंड तक एक चेन जो जाती है, जिसमें खासतौर से रामपुर की सीट आती है, मुरादाबाद, संभल, पीलीभीत की जो पूरी चेन है, बदायूं होते हुए नेपाल सीमा तक जो पूरी लेन रुहेलखंड की सटती है, वहां पर समाजवादी पार्टी कोई नुकसान न उठाए। हालांकि समाजवादी पार्टी ये मान रही थी कि रुचि वीरा का टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में देर रात तक काफी मंथन हुआ है, आज सुबह से भी लगातार मंथन चल रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे घटनाक्रम को पर खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि उन्होंने अपने सीनियर लीडरों से रामपुर के यूनिट को न सिर्फ फोन करके बात कही कि अगर आप लोगों ने विद्रोह की कोई रास्ता अख्तियार किया तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामपुर में उतार दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने बहिष्कार का काम किया तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से नेताओं को वहां शिफ्ट करेगी, हर बिरादरी, हर जाति के नेताओं को शिफ्ट करेगी और समाजवादी पार्टी तमाम जो यूनिट है रामपुर की उसको अपने हाथ में ले लेगी और खासतौर से रामपुर में चुनाव लड़वाने का काम बाहर के नेता समाजवादी पार्टी करेंगे। तो रामपुर और मुरादाबाद को ठीक है। अलाउद्दीन, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।